एवरीवन वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। तो चलिए आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामर ग्रामर का, वो है प्रोनाउन। इससे पहले हम लोग नाउन पढ़े थे, नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन ना पढ़ के आर्टिकल पढ़ने लगे थे। आर्टिकल समाप्त हो चुका है तो आज हम लोग प्रोनाउन से स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक आज का लिख दीजिए आप लोग, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। चलिए पहले बात करते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है। इसका बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिनेशन भी मिलेंगे। कुछ बुक में आपको वन लाइन डिफिनेशन मिलेंगे, जैसे एक प्रोनाउन का डिफिनेशन होता है, प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, प्रोनाउन स्टैंड फॉर अ नाउन, ये भी प्रोनाउन का डिफिनेशन है। चलिए हम लोग आज कुछ अलग डिफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शनल वर्ड, प्रोनाउन इज द फंक्शनल वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन फॉर नाउन और अ नाउन फ्रेज। ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पे प्रयोग हो उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। चलिए लिख लीजिए डिफिनेशन इसका प्रोनाउन का, प्रोनाउन का जो डिफिनेशन है वो लिखते हैं हम लोग, अ फंक्शनल वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस A functional word that is used in a functional word that is used in place of used in place of noun or a noun phrase। a noun phrase इसका मतलब ऐसे शब्द जो नाउन या नाउन फ्रेज के स्थान पर प्रयोग होता हो उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे क्या हो जाएगा आपका, ही सी इट हो ईटीसी। ही सी इट हु इटीसी ये आपका प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। अब देखिए आप बात करते हैं रीजन क्या है, रीजन और नीड क्यों पड़ा हम लोग को प्रोनाउन के बारे में पढ़ने का और प्रोनाउन को जानने के लिए ऐसा क्या जरूरत पड़ गई। रीजन और नीड ऑफ प्रोनाउन, टॉपिक चेंज कर लीजिए। रीजन नीड ऑफ प्रोनाउन, रीजन और नीड ऑफ प्रोनाउन। चलिए क्या क्यों जरूरत पड़ा उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, अवॉइड द
रिपीटेशन ऑफ सेकेंड है, सेकेंड क्या होगा, इट रिलेट द वर्ड, इट रिलेट द वर्ड टू द ऑर्डर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट रिलेट द वर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। और तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तीन रीजन है, यानी तीन नीड है हम लोग को प्रोनाउन पढ़ने के पीछे। पहला, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन को दोहराने से बचने के लिए प्रोनाउन का यूज किया गया है। दूसरा है इट रिलेट द वर्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब वर्ड को बचे हुए सेंटेंस के साथ क्या करता है, रिलेट करता है। और तीसरा है इंट्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोनाउन का यूज पड़ा या यूज करते हैं या प्रोनाउन की जरूरत पड़ी। क्यों, तो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, सब्जेक्ट का पहचान बताने के लिए प्रोनाउन का उपयोग करना पड़ा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीजन तो देख लिए, रीजन एंड नीड ऑफ प्रोनाउन देख चुके हैं हम लोग। अब जो है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की ओर चलते हैं। अभी हम लोग टोटल 8 टाइप ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। सेकेंड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। पांचवा आपका हुआ इंडिफिनिट प्रोनाउन, मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग निजवाचक या आत्मावाचक सर्वनाम कहते हैं। सातवा है आपका डिस्ट्रैक्टिव प्रोनाउन, जिसे विशिष्टवाचक सर्वनाम कहा जाता है। और लास्ट है आपका आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे परबोधक सर्वनाम कहा जाता है। चलिए अब हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। पहले नाम लिख लीजिए आप लोग। पहले तो आप लोग हेडिंग में लिख लीजिए, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, there are eight types of pronoun. पहला क्या आपका पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तीसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पांचवा है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद आपका छठा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। खोलो। छठा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद आपका आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आठवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब जो है पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग संकेतवाचक या निश्चयवाचक कहते हैं। संकेतवाचक या निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद है इनडिफिनिट प्रोनाउन, जिसको हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चय अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको निजवाचक या आत्मावाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको हम लोग निजवाचक या आत्मावाचक आत्मावाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद सातवां है डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रोनाउन जिसको विशिष्ट वाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। तो ये एट टाइप ऑफ प्रोनाउन हम लोग देखे। पहला है पर्सनल प्रोग्राम जिसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग संकेतवाचक या निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। चौथा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा है आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन जिसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। छठा है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको निजवाचक या आत्मावाचक सर्वनाम कहा जाता है या कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सातवां नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको वशिष्ठवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसको परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। परस्पर बोधक सर्वनाम। अब जो है हम लोग एक पर्सनल प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले एक चार्ट देख लेते हैं हम लोग, वो बहुत सारे हेल्प मिलेगा उस चार्ट से हम लोग को। तो चलिए पहले हम चार्ट बना लेते हैं फिर आप लोग से शेयर करते हैं। चलिए इस चार्ट को जो है हम लोग ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। एक तरफ आपको साइड में पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन दिख रहा होगा। उसके जस्ट आगे फर्स्ट पर्सन के आगे आई, सेकंड पर्सन के आगे यू और थर्ड पर्सन के आगे ही। अब यहां तक तो जानते हैं कि थर्ड पर्सन में ही आता है वहां पे, लेकिन हम लोग थर्ड पर्सन तीन बार लिखे हैं। तो ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि ही भी जो थर्ड पर्सन आता है और थर्ड पर्सन में आपका ही सी इट आता है, इसीलिए हम लोग ये तीनों को थर्ड पर्सन में ही सी इट को अलग अलग लिखे हैं। उसके बाद वी, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर में आता है, सिंगुलर में आई रहता है, प्लूरल में क्या हो जाता है? डी होता है। उसके बाद थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल जो होता है वो दे होता है, तो वही लिखे हैं आप आई यू ही सी इट वी यू दे। ये सारे फर्स्ट पर्सन यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन्स की अगर ये इसकी बात करें तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा? तो आई जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी, आई को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में मी बना दिया जाता है। और उसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव में, माई और इधर पोजेसिव प्रोनाउन में माइन बना दिया जाता है। और उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या यूज होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इसके जगह माई सेल्फ यूज करते हैं हम लोग, माई सेल्फ। उसी तरह सेकेंड पर्सन, यू है आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू रहता है, पोजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी यू रहेगा, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव में योर्स हो जाता है, योर्स। उसके बाद पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होगा? योर्स और योर सेल्फ हो जाएगा, योर सेल्फ। आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में
योरसेल्फ। उसी तरह देखिए ही है, ही जो है यहां पे मेल पर्सन के लिए यूज होता है, तो इसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं। ही मेल पर्सन के लिए है, तो ही क्या हो जाएगा, ही का हिम। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, हीज होगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी हीज होगा, और इसमें हीज सेल्फ हो जाएगा, इसमें हीज सेल्फ होगा आपका। उसकी बात बात करते हैं हम लोग थर्ड पर्सन में, आपका है सी। सी यहां पे थर्ड पर्सन का सी जो है फीमेल के लिए डोनेट है, तो चलिए इसका क्या होगा, थर्ड पर्सन में सी है तो वह ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में हर होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसका हर। और पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज नहीं होगा, हर ही रहेगा, और इधर पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाएगा, और इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर सेल्फ। उसके बाद बात करते हैं इट, थर्ड पर्सन इट। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन में इट है, और ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इट ही रहता है, चेंज नहीं होता है। उसके बाद देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव में इट्स होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी इट्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में इट सेल्फ होता है। उसके बाद बात करते हैं फर्स्ट पर्सन वी, ये प्लूरल के लिए यूज होता है यहां पे, तो हम लोग इसको पी से डोनेट करते हैं, पी लिख देते हैं इसके आगे। इसका मतलब आप लोग पी से प्लूरल समझिएगा। यहां पे एम का मतलब यानी मेल पर्सन के लिए बात किया जा रहा है, सी के आगे एफ लगाएं, इसका मतलब फीमेल के लिए। चलिए तो फर्स्ट पर्सन है वी, प्लूरल के लिए है, तो वी जो है वी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या बन जाता है आपका, अस होगा। वी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में अस। उसके बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स हो जाएगा, और आवर सेल्फ। इसमें क्या होगा, आवर सेल्फ। उसके बाद सेकेंड पर्सन में यू है, सॉरी यहां पे आवर सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ के जगह सेल्फ। उसके बाद आपका है यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल के लिए ये भी है, तो क्या होगा प्लूरल में आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में यू रहेगा, और इसमें क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव में योर होगा, और उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होगा, आवर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्फ हो जाएगा। जैसे देखिए थर्ड पर्सन प्लूरल में दे है, दे है, तो ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या हो जाएगा, देम। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देम हुआ, उसके बाद जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होगा, देयर। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये देयर हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन में theirs, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में themselves। इस चार्ट को जो है, इस चार्ट को हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जब अगले दिन हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे तो इस चार्ट का जो है बहुत सारा यूज पड़ने वाला है। जैसे इसके बाद हम लोग जो है डिटेल में
एट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।